हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। में आज हम सीखते हैं अनुपात समानुपात, तीसरा चैप्टर। अनुपात और समानुपात तो सभी जानते हैं। अनुलोमानुपात में क्या होता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी, यानी ए का मान बढ़ने के साथ बी का मान घटता जाएगा। एक होता है वित्तानुपात। वित्तानुपात का क्या मतलब होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ए बी सी वित्तानुपात में, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझते, पहला एग्जाम्पल, चार छ और एक्स वित्तानुपात में है और अपन को एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चार अनुपात चार छ और एक्स वित्तानुपात में, इसका क्या मतलब हुआ, चार अनुपात छ समानुपात छ अनुपात एक्स। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, चार बटा छ बराबर छ बटा एक्स, और इसको गुणा कर लेंगे तो 4x बराबर 36, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नाम 36, तो x बराबर क्या आ गया, 9। ये आंसर आ गया अपना। दूसरा किस प्रकार से सवाल होता है कि एक देख लो, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 6:7 है, तो a अनुपात d का मान क्या होगा, यानी अपन को ए बी और सी के मान दिए हुए हैं। तो इस ऐसे सवाल में क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखना अपने को कि जितने भी दिए हुए हैं ना, जैसे कि ए बी और सी तक दिए हैं हमें, और ए डी का याद ज्ञात करना है। कैसे लिखेंगे, ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी गुणा डी बटा ए बराबर क्या होता है, एक होता है हमेशा, मतलब सभी अनुपात को मिला के टोटल एक होता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि a बटा d अपने को ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले लेंगे, बराबर के इधर ले लेंगे। तो इसके लिए d अपॉन a का क्या हो जाएगा, a अपॉन d, और a अपॉन d बराबर क्या हो जाए, a बटा b गुणा b बटा c गुणा c बटा d, या 2:3 गुणा 3:4 गुणा 6:7 बराबर 3:7। ए अनुपात डी क्या आया अपने पास, 3:7, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, जैसे कि काम का आता है तीसरा क्वेश्चन। 10 मनुष्य 4 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 12 मनुष्य 3 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल में अपन क्या करते हैं कि एक लिख लो, मनुष्य घंटा प्रतिदिन और टोटल दिन कितने। तो पहली कंडीशन क्या है अपने पास कि 10 मनुष्य 4 घंटा और 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 12 मनुष्य 3 घंटा और x मान लेते हैं, अपन कितने दिन का दिया है वो पता करना है, वो x मान लेते हैं। तो ये क्या, दोनों इसमें आपस में गुणा कर लेंगे, 10 आदमी इंटू 4 घंटा इंटू 10 दिन यानी 400। इसमें क्या होगा, 12 आदमी 3 घंटा और x दिन यानी 36x। तो अब क्या करें अपन, 36x बराबर 400, और x का मान निकालने के लिए क्या करें, 400/36। अब इसको काट लो 4 से, 100 और 4 नाम 36, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 100/9 दिन, ठीक है। ये इस तरह से आंसर दिया होता है ऑप्शन में। अब क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लो आप, चौथा एग्जांपल में समझेंगे अपन। एक और किसी तरह का क्वेश्चन आता है एल्कोहल वाला है ना, जैसे कि 1.4 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात कितना, 2:5 है, तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी। इसके लिए सिंपली एल्कोहल का अनुपात कितना है, 2/ टोटल कितना हुआ, 2+5 इंटू 1.4 लीटर, या ml में लिखेंगे 1400 ml। अब इसको कर लो हल, 2/2+5 बराबर 7 इंटू 1400 ml बराबर 400 ml, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक देखो क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 52 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाएं
कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपए प्रति किलो, यानी कि एक सस्ती और एक महंगी वस्तु का मिश्रण हो। तो ऐसे में क्या करना है अपने को कि महंगी वस्तु, महंगी जो वस्तु है 82 रुपए की, माइनस मिश्रण का मूल्य जो अपन को बनाना है, अनुपात सस्ती वस्तु का मूल्य माइनस मिश्रण का मूल्य। तो ये अपने पास जो आ जाएगा संख्या आएगी, ये अनुपात हो जाएगा 56 रुपए वाली का और 82 रुपए वाली वस्तु की मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:11। ये ध्यान रख लेना, थोड़ी सी ट्रिक है, सिंपल सी। एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया है एग्जाम में, तथा इनका कुल मूल्य 270 रुपए है, तो 30 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख लो पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, तीन तरह के सिक्के अपने पास, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपया हो गया, और 50 पैसे या 1/2 रुपया, 25 पैसे 1/4 रुपया। अब ये कितने अनुपात में, 2:3:4, 2:3:4 में। इसमें क्या करेंगे अपन कि इनका आपस में गुणा कर लेंगे पैसे निकालने के लिए, यानी कि 1 रुपए के 2 अनुपात में सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए बनेंगे वो निकालने के लिए, 2x, और ये 1/2 × 3x बराबर 3/2x, और 1/4 × 4x बराबर 1x, 4 से 4 कट जाएंगे। तो टोटल क्या है अपने पास, इसको जोड़ लेंगे आपस में, 2 नीचे लेंगे, 4 + 3 + 2 बराबर 9/2। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया अपने पास, ये x का मान आ गया अपने पास, x का मान निकालने के लिए क्या अपने पास, 9/2x तो टोटल अनुपात आया, और रुपए कितने हैं अपने पास, 270। तो ये 9/2 को इधर 2/9 कर लेंगे, यहाँ पे उलट गुणा हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 2/9 × 270, या 9 × 3 = 27 और 30 × 2 = 60। x का मान आ गया अपने पास 60। तो इसमें पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3x, यानी कि 3 × x, x का मान 60, 60 × 180, ये आंसर आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन है अनुपात समानुपात में जो पूछे जाते हैं। एक एल्कोहल की मात्रा का पूछ लेते हैं, एक सस्ती और महंगी वस्तु का पूछ लेते हैं, और एक पूछ लेते हैं कि ये इस तरह से एक थैली में इस तरह से रुपए पड़े हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी, किसकी कितनी होगी। बस, थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।